भारत में रामायण के अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं और अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया गया है। इसके अतिरिक्त आसपास के कई देशों में भी रामायण को अलग नजरिए से लिखा गया है और वहाँ भी यहाँ से थोड़ी अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। वैसे तो रामायण के सभी पहलुओं से लोग परिचित हैं, लेकिन रामायण के 10 ऐसे रहस्य जिनके बारे में लोगों को शायद ही जानकारी हो। क्या है ये रहस्य, आइए जानते हैं। नंबर 1, बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जी के 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे। उन्होंने निद्रा देवी से न सोने का वरदान मांगा था और उनके बदले उनकी पत्नी 14 वर्षों तक सोई थी। नंबर 2, रामायण से गायत्री मंत्र बेहद ही दिलचस्प तरीके से जुड़ा है। रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। नंबर 3, राजा दशरथ के 3 पुत्र से पहले एक पुत्री ने जन्म लिया था जिसका नाम सांता था और जिसे राजा दशरथ ने बहुत ही छोटी उम्र में अंग देश के राजा को दान दे दिया था। नंबर 4, जिस जंगल में श्री राम सीता वनवास के लिए रुके थे उसका नाम दंडकारण्य था, जिसके कुछ हिस्से आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। यह वन भयानक राक्षसों का घर था। नंबर 5, पुत्र ना होने के कारण राजा दशरथ ने से भृंग ऋषि पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर यह यज्ञ हुआ था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था। नंबर 6, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन यह बेहद कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण शेषनाग, भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख शैल के अवतार थे। नंबर 7, सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के जिस धनुष का प्रयोग हुआ था उसका नाम पिनाक था। नंबर 8, जिस लक्ष्मण रेखा को पार कर सीता माता का हरण हुआ उस लक्ष्मण रेखा का जिक्र ना ही वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में। नंबर 9, भगवान राम को ऋषि दुर्वासा को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था, इसके बाद ही लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। नंबर 10, रावण के सैनिकों की संख्या 72 करोड़ थी। दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी जानकारी पहले से पता थी और कौन सी नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राम जी को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।